हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरपीएस। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव टू स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ प्लांट्स बॉडी। हमने प्लांट के बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। नाउ इट इज द टर्म टू स्टडी द टिश्यूज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बिफोर दिस, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिफोर दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स जो प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हीं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जैसा कि इसमें सेल और टिश्यू चैप्टर्स में कुछ पढ़े हैं, उन्हीं कुछ डेफिनेशंस को लेकर, ठीक है ना, उन्हीं कुछ डेफिनेशंस को लेकर हम लोग यहां पर कुछ टॉपिक्स को डिस्क्राइब भी करेंगे और कुछ टॉपिक्स को क्लेरिफाई भी करेंगे। ठीक है, वहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सेल चैप्टर में कि व्हाई सेल इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो यहां पर हम लोग देखेंगे भी एक एक करके डिस्क्राइब करके कि हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे कहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में सेल्स का क्या रोल है और इन्हीं सब चीजों को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आते हैं कि सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सेल का डिफिनेशन तो आपको पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, अभी हमने कहा भी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहता है कि सेल्स ही वह यूनिट है जो आपस में जुड़ते हैं, आपस में एक कंबाइंड समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो आगे का ऑर्गेनाइजेशन लेवल फर्दर स्टार्ट होता है। अब सेल्स को सीधा ग्रुप नहीं बनाना है, सेल्स को सीधे ग्रुप बना लेने से काम चलेगा। जैसे ह्यूमंस अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तो क्या हम उसे ग्रुप का नाम दे सकते हैं? नहीं, दैट इज ओनली अ क्राउड, या केवल एक भीड़ है, वह कोई लोगों का ग्रुप नहीं है। फिर ग्रुप कैसे बनेगा? तो इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके आपस में एक जगह जमा होने का, एक जगह कंबाइंड होने का, एक जगह जुड़ने का एम होना चाहिए, और उसके साथ साथ सब आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करेंगे, एक सिंगल वर्क करेंगे, तो ही वहां पर वह कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप बन पाएगा और तभी उस वह ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज वह एक भीड़ कहलाएगा। तो हमारे सेल्स भी, ठीक है, सिमिलर सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं, है ना, सिमिलर सेल्स जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर वह एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं। इस ग्रुप का एक खास एम होता है, एक खास फंक्शन होता है, इस ग्रुप का एक खास एम होता है, एक खास फंक्शन होता है, और तब यह क्या कहलाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएंगे, टिश्यू कहलाएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएंगे, टिश्यू कहलाएंगे। ये टिश्यू जो है, जब आपस में फिर से ग्रुप को फॉर्म करेंगे, टिश्यूज आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो यहां पर कहता है कि टिश्यू जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। जो टिश्यू फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, दैट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ वर्क करते हैं टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, लेकिन उनका फंक्शन एक ही होता है, ठीक है, तभी वह टिश्यूज के रूप में कहलाएंगे, टिश्यूज के रूप को फॉर्म कर पाएंगे। हमने बताया कि जब तक उनके बीच में कोई रूल्स और रेगुलेशन के साथ ग्रुप नहीं बना है, तो हम उसे ग्रुप नहीं कह सकते, ठीक है, जब तक वह रूल्स और रेगुलेशंस के साथ नहीं जुड़े हैं, तब तक हम उन्हें ग्रुप नहीं कह सकते।
रेगुलेशंस के साथ आपस में जुड़ते हैं तो इन्हें हम ग्रुप कहेंगे और तभी यह टिश्यूज को फॉर्म करेंगे। हां, अब इसके नेक्स्ट लेवल क्या है तो वह है ऑर्गेन। टिश्यूज के बाद हम लोग ऑर्गेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि हमने कहा कि सिमिलर सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाएगा, लेकिन हमने प्लांट के कैटेगरी में देखा था कि प्लांट के कुछ टिश्यूज सिमिलर सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन उसके कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, कि वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, तो वहां पे भरे सेल्स का टाइप आपको डिफरेंट दिखता हो क्योंकि वह केवल स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन फंक्शनली क्या है, सिमिलर है। इसलिए कहता है कि वह सेल्स चाहे स्ट्रक्चरली या फंक्शनली किसी भी तरह से सिमिलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए, तभी वह टिश्यू बना पाएगा। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो चाहे फंक्शनली सिमिलर हो, लेकिन सिमिलरिटी तो उनमें होनी ही चाहिए और तब यह बनाएंगे टिश्यू। और ऑर्गेन कब बनेगा? जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपस में एक साथ जुड़ेंगे, वह फंक्शन चाहे एक जैसा करें चाहे इंडिपेंडेंटली डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करें, लेकिन उनका एम एक स्पेसिफिक होगा और एक ही एम के लिए वर्क करेंगे और उसको कोऑर्डिनेट करेंगे और तभी वह बना पाएंगे ऑर्गेन्स। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा एक सिंपल ऑर्गेन ले लेते हैं और वह है स्टमक। स्टमक जो होता है इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गेन, नहीं यह जे शेप्ड ऑर्गेन होता है, यह स्टमक होता है। स्टमक के वॉल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, स्टमक के वॉल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड हो सकता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू। या गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करेगा, म्यूकस ग्लैंड मकस सिक्रीट करेंगे, और बाकी जो उसके मैस्कुलर टिश्यूज होंगे वह उसके चर्निंग प्रोसेस में उसकी हेल्प करेंगे। ये एंजाइम सेक्रेट करेंगे ताकि उसमें डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो और मस्कुलर सेल्स जो है उसको चर्निंग प्रोसेस में उस एंजाइम्स को उसमें मिलाने का काम करेंगे, मिलाएंगे ताकि आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सिंपल ऑर्गेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका एम एक ही है, वो एक दूसरे को इसलिए कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म कर सके। इस अगले ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम। क्या ये ऑर्गेन सिस्टम है? इस ऑर्गेन सिस्टम में इस जैसे बहुत सारे ऑर्गेन्स आते हैं एक साथ, है ना, बहुत सारे ऑर्गेन्स एक साथ आते हैं और ये सारे ऑर्गेन्स फंक्शन भी डिफरेंट करते हैं, ठीक है ना, ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये ऑर्गेन सिस्टम जो होता है उनका एम एक होगा, एक ही सिंगल वर्क सिंगल प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, सिंगल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि माउथ जो है वो अलग वर्क को परफॉर्म करता है, वह फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन को करेगा, बिगर पार्टिकल्स ऑफ फूड को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करेगा, एसोफेगस क्या करेगा माउथ से फूड को लेकर और स्टमक तक पहुंचाएगा। स्टमक क्या करेगा उसमें से जर्म्स को मारेगा, अपने डिफरेंट फर्दर फंक्शन को परफॉर्म करेगा और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन को फॉरवर्ड करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर्स और पैनक्रियाज जुड़े हैं, वो सब अपना अपना वर्क करेंगे, तो इस इंटेस्टाइन अपना वर्क करेगा, इंटेस्टाइन वर्क करे कंप्लीट करेगा तो उसके बाद आगे का फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसमें डिफरेंट ऑर्गेन्स ने वर्क किया अलग अलग इंडिपेंडेंटली, लेकिन उनका एम एक ही था और वह क्या था, डाइजेशन। और इसीलिए इस ऑर्गेन सिस्टम का नाम भी क्या रख दिया जाएगा,
डाइजेस्टिव सिस्टम रख दिया जाएगा। जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, यहां पर देखिए माउथ होगा, क्या होगा माउथ होगा, ठीक है, माउथ के साथ इसमें एसोफेगस होगा, माउथ एसोफेगस और उसके साथ स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसके बाद आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बाद है एनस है, रेक्टम है एंड लॉट्स मोर ऑर्गन्स आर कंबाइंडेड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट इज दैट कि अगला जो ग्रुप है, अगला जो समूह है, दैट इज ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या है ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेन सिस्टम्स आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, तो यह ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। एक ऑर्गेन सिस्टम नहीं कर सकता क्योंकि वह तो एक सिंगल फंक्शन ही परफॉर्म करेगा, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव यानी जिंदा रखने के लिए बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन, एगेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड लॉट्स मोर फंक्शंस आर परफॉर्म इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। सो इसमें ढेर सारे ऑर्गेन सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने सारे ऑर्गेन सिस्टम्स होंगे, तो कहीं पर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कहीं पर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कहीं पर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। जैसे टिश्यूज के साथ आगे आप बढ़ेंगे तो आपको बना देगा ऑर्गेन, ऑर्गेन से इसमें बहुत सारे मतलब ऑर्गेन सिस्टम्स होंगे। कौन कौन से ऑर्गेन सिस्टम्स होंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसके आगे आपको एक और ऑर्गेन सिस्टम जुड़ेगा रेस्पिरेटरी, ठीक है, सर्कुलेटरी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम्स जब एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो वह जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे, और ये सभी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनका एम इनका भी एम एक ही होता है, और वह एम होता है कि टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव, यानी एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखना इन सभी ऑर्गेन सिस्टम्स का एकमात्र एम होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमने देखा कि सेल्स जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, ठीक है, सेल्स जुड़ेंगे तो टिश्यू बनाएंगे, और इन्हीं सेल्स का ग्रुप जिसको हमने टिश्यू नाम दिया है, वह जब आपस में एक साथ कंबाइंड होंगे तो क्या बना देंगे, ऑर्गेन बना देंगे, और जब ये ऑर्गेन्स आपस में एक दूसरे के को कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम जब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या बना देंगे, ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो ये सब एक दूसरे से आपस में कोरिलेटेड है, और इसी कारण से सेल को जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाएगा। अब हमें देखना है कि फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि ये सारे सेल्स जब वर्क करेंगे, है ना, एक साथ वर्क करेंगे, एक सिंगल वर्क करेंगे तो ये टिश्यू बनेंगे, यानी टिश्यू को बनने के लिए इनका स्ट्रक्चरली सिमिलर होना जरूरी नहीं है, बल्कि फंक्शनली भी सिमिलर होना जरूरी है, यानी वह एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो टिश्यू बनेंगे, वरना टिश्यू नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दो चीजें क्लियरिफाई की कि ऑर्गेनिजम्स जो है उनका बॉडी जो है वह सेल्स के आपस में कंबाइंड होने से बना हुआ है, और इनके बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं दैट इज कंप्लीटली परफॉर्म ऑन सेलुलर बेसिस, यानी सेलुलर बेसिस पर ही उनका फंक्शन परफॉर्म होता है, चाहे वह सेक्रेशन का फंक्शन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन का,
चाहे एसिमिलेशन का फंक्शन हो, चाहे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, जैसे आप एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपको कहीं से एक मॉस्किटो बाइट करता है, राइट, तो वहां पे सेंसरी सेल्स होते हैं, तो सेंसरी सेल्स पहले मैसेज रिसीव करेंगे। तो मैसेज किसने रिसीव किया? ब्रेन डायरेक्टली नहीं, सेंसरी सेल्स ने, और वो मैसेज को फॉरवर्ड किया आगे। तो वहां पे वर्क जो है वह सबसे पहले सेलुलर बेसिस पर ही कंप्लीट किया गया, देन वह आगे के फर्दर ग्रुप्स को फॉरवर्ड किया गया और वर्क्स किया गया। तो यहां पे यह कहता है कि स्ट्रक्चरली हमने प्रूव कर लिया कि सेल जो है वह स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और सेल जो है वह फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चर भी इसी के मिलने से बना है और फंक्शन भी अगर कहीं से स्टार्ट होता है, कंप्लीट होता है, तो ड्यू टू द सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस क्लास में बहुत सारे मतलब जो है वह बहुत ही डीप लेवल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया है, बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी किया कि किस तरह से हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे की क्लासेस में हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, कौन सा टिश्यू कहां पाया जाता है, और वो टिश्यूज जो हैं वह किस किस तरह के सेल्स के आपस में मिलने से बने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देन थैंक यू।